आज हम बनाएंगे व्रत के लिए साबूदाने का खीर, जो कि काफी इजी और आसान तरीके से बन जाता है और खाने में काफी स्वादिष्ट है। हमने एक कटोरी साबूदाना लिया है। अब इसको हमें दूसरे बर्तन में पलटी कर देंगे। अभी हमने एक दूसरे बर्तन में पलटी कर दिया, इसको दो पानी से अच्छे से धो देंगे। अभी हमने अच्छे से धो दिया है, हमको थोड़ा इसमें पानी डाल के साबूदाना को रखने का है 1 घंटे तक फूलने के लिए। अभी हमारा साबूदाना अच्छे से 1 घंटा हो गया, अच्छे से फूल गया है, पूरा पानी सूख गया है, गीला बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको हाथ से भी छू के देख सकते हो, बिल्कुल पानी नहीं लग रहा है। अभी हमने गैस चालू कर दिया है, कढ़ाई रख दिया। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें हम साबूदाना डाल के 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अभी पूरा अच्छे से मिक्स करके हम इसको 2 से 3 मिनट तक साबूदाने को भूनेंगे। अभी हमने जितना साबूदाना लिया है उससे 1/4 कटोरी हमने चीनी लिया है। अभी हमारा साबूदाना अच्छे से भून गया 2 से 3 मिनट। अभी हमने आधा लीटर इसमें फुल क्रीम दूध डालेंगे। दूध को हमने पहले से ही उबाल के रख लिया था, फुल क्रीम दूध, और उसको दूध डाल के पूरा अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको हम अभी उबाल आने तक के लिए छोड़ देंगे। अभी हमारे साबूदाने में उबाल आने लगा, अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी हमको आधे कटोरी से थोड़ा ज़्यादा लेना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप 1 कटोरी डाल सकते हो, अपने टेस्ट अनुसार आप इसमें चीनी डाल सकते हो। इसमें हमने इलायची 4-5 कूट के रखा था, वो सब हमने डाल दिया। ये सब डाल के हम इसको 5 से 7 मिनट तक तेज आंच पे पकाएंगे। अगर आपका गैस का आंच ज़्यादा तेज है तो आप गैस को स्लो कर दो थोड़ा। अभी हमारा अच्छा उबाल आने लगा है, इसको थोड़ा टाइम हम और पकाएंगे। अभी हमारा अच्छे से पक गया, अभी हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी एक दूसरे बर्तन में इसको हम पलटी कर देंगे और इसमें हम अपने पसंद अनुसार काजू, बादाम, किशमिश, जो भी आपको पसंद हो, ड्राई फ्रूट, वो सब डाल सकते हो। और अभी हमारा साबूदाने का खीर बन के तैयार हो गया है, और जो कि काफ़ी स्वादिष्ट और टेस्टी बना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।